तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक टीम कैसे बनाए, कौन सी वो गलतियां हैं जो हम बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ग्रैंड लीग में एक अच्छे रैंक नहीं आ पा रही है, कौन सी वो गलतियां हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक लाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन लाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी वो गलतियां हैं और कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमारी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं जो बात करेंगे। पिच रिपोर्ट्स, रिसेंट परफॉर्मेंस, ये उतने अच्छे नहीं है, हालांकि इनको भी आपको पता जरूर करना, लेकिन ये उतने कारगर नहीं है। यानी कि पता तो होना चाहिए आपको पिच रिपोर्ट्स का भी और रिसेंट फॉर्म का भी। फिर बात करेंगे प्लेयर सिलेक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के, यानी कि आपको टीम बनाते वक्त आप टीम बना रहे हो तो किस प्रकार आप 11 प्लेयर सिलेक्शन करने हैं, कौन से वो 11 प्लेयर्स हैं जो आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, वो बात करेंगे। यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे पता करें कि आज के मैच में कौन यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन होगा। फिर दोस्तों सेकंड इनिंग्स के बॉलर्स को कैप्टन ना बनाना, ये सबसे हमारी बड़ी गलती है, इस पर भी बात करेंगे। खिलाड़ी पर विश्वास नहीं करना, इस पर भी बात करेंगे। सिर्फ बैट्समैन को ही अपनी टीम में ज्यादा तवज्जो देना, यानी कि बैट्समैन को ही अपनी टीम में देना लेना, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क ना लेना। आप टीम तो बनाते हो लेकिन रिस्क नहीं ले पाते। कुछ भाई बोलेंगे कि हम रिस्क लेते हैं, रिस्क कैसे लेना है, कभी कभी आपको एक टीम के टॉप ऑर्डर से 1 2 3 तीनों प्लेयर्स को ड्रॉप करना होता है, वो रिस्क होता है। आप लोग क्या सोचते हो, किसी एक प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया और आपका रिस्क हो गया, आपकी एक अच्छी टीम बन गई, आपकी एक यूनिक टीम बन गई? नहीं, वो तो सभी कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों बात करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करना और पूरी देखना। दोस्तों पिच रिपोर्ट्स की बात करें, दोस्तों आप लोग अपनी टीम बना रहे हैं, सबसे पहले अगर आप जीतना चाहते हो, जीतने के लिए ही खेल रहे हैं, लेकिन टीम जीतने वाली आप नहीं बना रहे, सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स को देखो। कुछ भाई तो पिच रिपोर्ट्स को देखते ही नहीं है, वैसे ही टीम बना देते हैं। हालांकि पिच रिपोर्ट सिर्फ 30% ही ध्यान में रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं भी नहीं मान के चलता, लेकिन पिच रिपोर्ट्स को आपको देखना जरूर है। वो पिच रिपोर्ट्स आपको क्या बताएगी, पिच रिपोर्ट्स आपको यह बताएगी कि हमें बैट्समैन कितने लेने हैं आज, बॉलर्स आज कितने लेने हैं, ये बात हमें पिच रिपोर्ट्स बताने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन में बनाए या कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर्स में बनाए, ये बात हमें पिच रिपोर्ट्स बताएगी। बस पिच रिपोर्ट्स इतनी ध्यान में रखनी है, बाकी सिलेक्शन कैसे करना वो भी बात करेंगे। सबसे पहले मानकर चलो दोस्तों कि पिच है बैलेंस या फिर पिच है बॉलर्स, बॉलर को ज्यादा फ्रेंडली है, बॉलर्स को ही ज्यादा हेल्प है, और पिच पर स्कोर होता है 130 T20 में, और विकेट्स गिरते अच्छे खासे। जहां पर 130 का स्कोर होगा, मान के चलो विकेट्स तो गिरने वाले हैं ही, तो वहां पर आप मान के चलो फर्स्ट इनिंग्स में 130 रन बनाए और 8 विकेट्स गिरे, आपने टीम कैसे बनाई, आपने अपनी टीम में 4 बैट्समैन ले लिए, आपने कैप्टन वाइस कैप्टन भी बैट्समैन में बना लिया, तो कहां से ग्रैंड लीग टीम आएगी? जब पूरी टीम 130 ही रन बना पा रही है तो आप कैप्टन किसको बनाओगे, वाइस कैप्टन किसको बनाओगे? क्योंकि तकरीबन टीम आउट हो रही है, तो कोई 20 रन पर आउट होगा, कोई 40 रन पर आउट होगा, तो उस सिचुएशन में कैप्टन वाइस कैप्टन आपने बैट्समैन में से बना दिया, तो कहां से ग्रैंड लीग आएगी? पिच रिपोर्ट्स को देखो, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो आप बॉलर्स में से ही सीवीसी बनाओ और बॉलर्स ही अपनी टीम में ज्यादा लेकर चलो, ये बात आपको पिच रिपोर्ट्स बताएगी। इसलिए पिच रिपोर्ट्स को देखो, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो बॉलर्स के हिसाब से टीम बनाओ, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन को ज्यादा लो और उन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, ये बात आपको पिच रिपोर्ट्स बताएगी। इसलिए पिच रिपोर्ट्स का काम यहीं पर खत्म होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपको प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, मैच देखो कि लास्ट का मैच कैसे गया है, कौन सा वो प्लेयर था जो रिसेंट फॉर्म अच्छी है, क्योंकि जिसकी प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म अच्छी है ना, उसके चांसेस लगातार अच्छा करने के ज्यादा होते हैं। इसलिए रिसेंट फॉर्म को अपनी टीम में देखो और उस प्लेयर्स को अपनी टीम में ट्राई करने की कोशिश करो, चाहे वो प्लेयर्स बिल्कुल, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जैसे आईपीएल स्टार्ट होगा, कुछ प्लेयर्स ऐसे आएंगे जिनका नाम बड़ा नहीं होगा, जिनको लोग बहुत से कम तो डेब्यू करेंगे, जिनको कोई नहीं जानता और उनका लो सेलेक्शन होगा और वो 40-42 रन हर मैच में बनाएंगे, लेकिन फिर भी उनको बहुत कम लोग लेंगे, क्योंकि सामने रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को टीम में लेंगे, उसको नहीं लेंगे। इसलिए रिसेंट फॉर्म चाहे छोटा प्लेयर्स है चाहे बड़ा प्लेयर्स है, उसको हमेशा अपनी टीम में लेकर चलो। ये पॉइंट्स हो गए दो। अब बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लेयर सेलेक्शन का, कि किस प्रकार हम अपनी टीम बनाए। देखो दोस्तों 90 लाख, 1 करोड़ लोग ड्रीम इलेवन या कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन हो उस पर खेलते हैं, और फर्स्ट रैंक आती है एक की या ज्यादा से ज्यादा कई बार दो की फर्स्ट रैंक आती है,
कभी भी आपने सोचा कि 1 करोड़ लोग खेल रहे हैं और फर्स्ट रैंक एक ही की क्यों आती है? उसका कारण है दोस्तों प्लेयर सेलेक्शन। ज्यादातर लोग उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाते हैं, 80%, 90%, 70%, बहुत कम ऐसे हैं जो कि लो सेलेक्शन के साथ जाते हैं। और अगर आपको वाकई में फर्स्ट रैंक या टॉप 10 रैंक लानी है तो आपको उन प्लेयर्स को जिनका लो सेलेक्शन है उनको अपनी टीम में लेना ही होगा, हर सिचुएशन में लेना ही होगा। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आप फैंटेसी मत खेलिए, आपकी कभी भी फर्स्ट रैंक तो आ ही नहीं सकती, टॉप 100 रैंक भी नहीं आएगी अगर आप सारे सेम सिलेक्शन के साथ जाते हो। यहां पर 90% लोग सेम टीम बनाते हैं उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर, सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे हैं जो लगातार रिस्क लेते रहते हैं, जो एक यूनिक टीम बनाते हैं। यानी कि आपको हमेशा ही प्लेयर सिलेक्शन को ध्यान में रखना, 2 प्लेयर्स आपको अपनी टीम में ऐसे रखने हैं जिनका बहुत ज्यादा लो सिलेक्शन हो। कौन से वो 2 प्लेयर्स हैं वो आपको कैसा पता चलेगा? आप देखो कि कौन पूरे 4 ओवर बॉलिंग करा अपने कोटे के, यानी कि पूरे 4 ओवर बॉलिंग करा लेकिन उसको लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो उसको ट्राई करो, क्योंकि पूरे 4 ओवर बॉलिंग करा तो उसको अगले मैच में विकेट्स मिलेगा, अगले में नहीं तो उससे अगले मैच में विकेट्स मिलेगा। तो यानी कि आपको लो सेलेक्शन के 2 प्लेयर्स अपनी टीम में लेकर चलने ही चलने हैं, हमेशा ही चलने हैं। 2 प्लेयर्स तो आप ये बोलते ना, गांठ बांध लो अपनी एक बात मन में बिठा लो कि 2 प्लेयर्स तो आपको लो सेलेक्शन वाले लेने ही लेने हैं, चाहे आपके एंट्री फीस आए चाहे ना ही आए। अगर जिस दिन आपके वो 2% वाले चल गए, आपकी यूनिक टीम बनेगी, आप एक टॉप 10 रैंक, बात करें टॉप 10 रैंक आ जाएगी, यानी कि 2% तो आपको हर हालत में अपनी टीम में लो सेलेक्शन वाले लेने ही लेने हैं, ज्यादा नहीं बोला सिर्फ 2। अगर आप 2 सेलेक्शन लो सेलेक्शन वाले नहीं ले रहे हैं, चलो भाई कई बार क्या होता है कि कई कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कम लो सेलेक्शन में होते हैं, हालांकि हर मैच में होते हैं लेकिन कई मैच ऐसे होते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं जिनका लो सेलेक्शन नहीं होता, जिनके परफॉर्मेंस करने के चांसेस होते ही होते हैं, चलो हमने एक सेफ टीम ले ली, फिर आपको क्या करना, फिर आपको यूनिक कैप्टन बनाना है। उसको कैप्टन मत बनाओ जिसको 40% लोग कैप्टन बना रहे हैं, उसको कैप्टन मत बनाओ जिसको 10% लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। आप सी, यानी कि आप कैप्टन फिर उस सिचुएशन में किसको बना सकते हैं जिसका कैप्टनसी का परसेंटेज 2% हो, 3% हो, 4% हो, फिर आप उसको कैप्टनसी वाइस कैप्टन बनाओ। यानी कि यहां से ये एक ही टॉपिक है, या तो आप प्लेयर 2 प्लेयर सेलेक्शन में ऐसे रखो लो सेलेक्शन वाले, यानी कि यूनिक टीम बने। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर आप एक यूनिक कैप्टन बना सकते हैं, कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आप दूसरों से अलग टीम बना पाए ताकि आपकी टीम चले और आप टॉप 10 रैंक में आ जाएं। यानी कि ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, या तो आप 2 प्लेयर्स ऐसे लो जो लो सेलेक्शन में है या आप यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। तो एक तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है, फिर एक और बात है दोस्तों 5 नंबर पॉइंट्स की बात करें, सेकंड इनिंग्स के बॉलर्स को कैप्टन नहीं बनाना। बहुत कम लोग क्या करते हैं या बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है या फिर जो टीम फर्स्ट टाइम बॉलिंग करती है उसके डेथ के बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलते हैं। और बहुत सी वीडियो में ये भी बताया भी गया है कि भाई फर्स्ट इनिंग्स के डेथ में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, ग्रैंड लीग विन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो टीम सेकंड टाइम बॉलिंग कर रही है आपने देखा है वो भी टीम ऑल आउट करती है दूसरी टीम को, उसके भी बॉलर्स 3-3, 4-4 विकेट्स लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो बॉलिंग करेगी या जो डेथ में बॉलिंग करेगा आप उसको ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे, सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। आपको क्या करना है, जो टीम सेकंड टाइम बॉलिंग कर रही है ना उसके बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करना, यह तरीका बहुत अच्छा कारगर साबित होगा आपके लिए ग्रैंड लीग विन करने के लिए, क्योंकि यहां से आपके पास बहुत यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन होगा। क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन सभी लोग वही बनाएंगे जो फर्स्ट टाइम बॉलिंग करेगी, जो डेथ में बॉलिंग करेगा, बैट्समैन में भी तकरीबन फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाले की ही टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए जाते हैं। यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि ये सेकंड टाइम टीम बॉलिंग करिए हम इसके कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना सकते, बिल्कुल बनाकर चलना, जो कि आपके लिए एक बेनिफिट होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं खिलाड़ी पर विश्वास ना करना। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने किसी प्लेयर्स को अपनी टीम में ले लिया, मान के चलो आपने इस प्लेयर्स को अपनी टीम में ले लिया, इसने परफॉर्मेंस नहीं किया, आप लोग क्या करेंगे, तुरंत उसको अगली टीम अगले मैच में या फिर आप टीम बना रहे अगले मैच की तो उसमें उस प्लेयर्स को ड्रॉप कर देंगे। चलो फिर भी एक आधे भाई ने अपनी टीम में ले लिया, उसने तब भी परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर क्या करेंगे, अगले मैच में तो उसको लेंगे ही नहीं।
उसको ड्रॉप कर देंगे कि ये तो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, और वो क्या करेगा उस मैच में, वो परफॉर्मेंस करेगा या उससे अगले मैच में परफॉर्मेंस नहीं करेगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लेयर्स को ले रहे हैं उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देते हैं। अपने खिलाड़ी पर विश्वास करना आपको, आप जिस प्लेयर्स को अपनी टीम में ले रहे हैं उस पर विश्वास करो, उसको कम से कम 3 या 4 टीमों में लगातार लेना होगा ग्रैंड लीग के लिए, ताकि जब भी वो परफॉर्मेंस करे आपकी एक अच्छी रैंक आए। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लेयर्स को आज ले लिया, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर आप दूसरे प्लेयर्स के पीछे भाग लिए, ऐसा मत करना कभी भी। आईपीएल में भी ऐसा बहुत भाई करने वाले हैं, तो ऐसा मत करना। नंबर 7 पॉइंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, बैट्समैन के पीछे भागना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों बहुतों को बताया जाता है कि T20 का जो गेम है ना वो बैट्समैन का गेम है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। T20 गेम बॉलर्स का गेम है, फैंटेसी के हिसाब से देखे तो, क्योंकि एक बॉलर्स को तकरीबन बॉलिंग T20 में विकेट अच्छे खासे गिरते हैं। बॉलर्स 3 विकेट लेता है तो उसके पॉइंट मोस्टली 80 से 100 के आसपास हो जाते हैं, जबकि बैट्समैन को तो 70 रन बनाने होते हैं 80 से 100 पॉइंट्स लेने के लिए। और कौन सा वो बैट्समैन है ये भी नहीं पता, क्योंकि जब स्कोर 140 के आसपास होगा T20 में तो कौन सा प्लेयर्स होगा जो 70-80 रन बनाएगा, एकाधे ही मैच में बनाएगा। यानी कि बैट्समैन के पीछे भागना छोड़ दो, तकरीबन T20 मैच खेल रहे हो तो अपनी टीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ट्राई करो कि आप बैट्समैन 2 ही ले पाए। अगर ज्यादा ही अच्छे ऑप्शन है या बैटिंग फ्रेंडली ही पिच है तो उस सिचुएशन में आप 3 बैट्समैन ले, इससे ज्यादा मत ले। ज्यादातर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप SL भी खेल रहे हो और GL भी खेल रहे हो, आपको अपनी टीम में 5 बॉलर्स हमेशा लेकर चलने हैं, 4 तो लेकर चलने ही चलने हैं अगर आप T20 खेल रहे हो। ये तरीका ऐसा दोस्तों जो कोई नहीं बताएगा, खुद आप इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा कितना बेनिफिट होता। आप T20 में कम से कम 4 बॉलर्स तो आपको लेकर चलने ही चलने हैं, ये सबसे बेनिफिट होगा। अगर आप 5 बॉलर्स लेकर चलते हैं तो वो और भी अच्छा है, एक यूनिक टीम बनेगी और आप यकीन मानिए आपकी रैंक बिल्कुल टॉप 100 रैंक में आएगी, अगर आप हमेशा 4 से 5 बॉलर्स अपनी टीम में लेकर चले। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है। एक और बात दोस्तों फिर बात करता हूं, 8वां, रिस्क ना लेना। कुछ भाई रिस्क नहीं लेते हैं, कुछ भाई सोचते हैं कि हमने एक प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया वो रिस्क हो गया, ये कोई रिस्क नहीं है। कई बार आपके टीम के, एक टीम के आपने ओपनर्स और वन डाउन इन तीनों को भी ड्रॉप करना होता है, और करना होता है और फ्लॉप भी होते हैं तीनों टॉप ऑर्डर्स। यानी कि रिस्क का मतलब यह नहीं है कि एक प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया और आप सोच रहे हैं कि नहीं हमारा काम हो गया, यूनिक टीम हो गई, हमने रिस्क भी ले लिया, अब हमारी अच्छी रैंक आएगी। नहीं, आपको सिचुएशन के हिसाब से अपनी टीम में टॉप 3 को भी ड्रॉप कर सकते हो, और करना ही होता है यूनिक बनाने के लिए, एक अच्छी रैंक हासिल करने के लिए। कोई ग्रैंड लीग में इतना आसान नहीं कि आप सोच रहे हो कि टीम बनाई और रिस्क लिया थोड़ा बहुत और आपकी अच्छी रैंक आ गई, ऐसे नहीं आएगा। इन टॉपिक्स पर, यानी कि बैट्समैन को थोड़ा कम लो, खिलाड़ी पर विश्वास करो, सेकेंड इनिंग्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, यूनिक कैप्टन बनाओ, प्लेयर सिलेक्शन को ध्यान में रखो कि भाई हमारी टीम यूनिक बन भी रही है या नहीं, या फिर हम दूसरों की तरह सेफ ही टीम बना रहे हैं। फिर रिसेंट फॉर्म देखो कि कौन प्लेयर्स कैसा है, अगर किसी प्लेयर्स की जैसे कि विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, कोई भी बड़ा प्लेयर्स है रीसेंट फॉर्म में नहीं है तो दोस्तों ड्रॉप करो उसको, टीम में मत लो, वो लगातार आपको लॉस करवाएगा, क्योंकि उसका एक तो हाई सेलेक्शन ज्यादा होगा, अरे को आउट होगा, बड़ा प्लेयर से ऐसा नहीं आउट होगा। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आईपीएल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो 99% लोग ये गलती करने वाले हैं इस आईपीएल में, जो कि अपना लॉस करने वाले हैं, आप लोग क्या करेंगे, जो 9वां पॉइंट है मैं बता देता हूं। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, आईपीएल में क्या करेंगे, कुछ नए प्लेयर्स भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जिनका बारे में आपको नहीं पता होगा, जिनके स्टेटस भी आपको नहीं पता होगा, जिनका नाम भी शायद हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछला आईपीएल खेल चुके हैं, नाम बड़ा नहीं है। उन प्लेयर्स को, जैसे कि कोई टीम है RCB की, RCB ला लो, CSK, GG, कोई भी टीम है, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा जिनको आप नहीं जानते हैं। उस प्लेयर्स को, जो डेब्यूटेंट प्लेयर्स होता ना ये जो आईपीएल होते हैं, उस प्लेयर्स को जो डेब्यू करेगा उसको आपको हर हालत में नए प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना। एक तो उसका सिलेक्शन बहुत कम होगा, एक उसके अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, या तो वो अपने बॉलर से तो पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा, बैट्समैन है तो टॉप ऑर्डर्स में बैटिंग करेगा। कुछ प्लेयर्स आपको आईपीएल में ऐसे दिखने वाले, उनको अपनी टीम में लेना ही है,
अगर आपको आईपीएल में ग्रैंड लीग विनिंग करना है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप मैच खेल रहे हो उस मैच को देखो पूरी तरीके से, अगर आप मैच को तरीके से देखते हो और अगले मैच में आप उसकी टीम बनाते हो तो आपको खुद ये लगेगा कि भाई मैं कितनी अच्छी टीम बना रहा हूं, क्योंकि आपने देख लिया पिछले मैच में कौन कैसी बैटिंग कर रहा, आपने देख लिया कि पिछले मैच में कौन कितने ओवर बॉलिंग कर रहा, आपने देख लिया कि पिछले मैच में भाई ने 4 ओवर बॉलिंग की लेकिन विकेट मिली, हो सकता है इस मैच में विकेट मिले, इसका लो सेलेक्शन है, उसको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये बातें दोस्तों आपको याद रखनी है और एक अच्छी टीम बनानी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना और अच्छी टीम खुद से बनाना। किसी से अब आईपीएल शुरू हो रहा है, प्राइम टीम के नाम पर आप लोग देखेंगे कि प्राइम मांग रहे हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए में आपको टीम देंगे और भाई उस 5 हजार रुपए वाली टीम आपको कुछ नहीं देगी। ग्रैंड लीग का सीधा उसूल है दोस्तों, खुद ही टीम बनानी होगी, कोई स्पेशलिस्ट कोई एक्सपर्ट आपको ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं दिला सकता, आपसे पैसे लेंगे और कुछ नहीं है। और आप एक बात सोच सकते हो, अगर वो आपसे 5 हजार रुपए एक टीम के ले रहा है और वो आपको दिलाएगा 1 करोड़ रुपए, वो आपको 1 करोड़ रुपए दिलाएगा 5 हजार रुपए के बदले, भाई वो खुद ही 1 करोड़ रुपए ले लेगा 49 रुपए लगाकर, वो आपसे नहीं लेगा वो। इसलिए प्राइम टीम किसी से मत लो, खुद टीम बनाओ। लेकिन लालच है लोगों के पास, देने वालों को भी लालच और लेने वालों को भी। देने वालों को क्या लालच है भाई, प्राइम टीम देगा 49 रुपए में मेरे को तो 1 करोड़ मिलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो 49 रुपए वाली एक टीम 10 हजार लोगों को देगा, एक टीम से 10 हजार लोग खेल रहे हैं, 10 हजार से नीचे रैंक आने का तो सवाल ही मतलब नहीं है, यानी कि ग्रैंड लीग उनकी तो कभी आएगी ही नहीं। भले ही उसकी आ जाएगी जो खुद से टीम बना रहा है, उसकी आ सकती है, लेकिन उसकी नहीं आ सकती जो प्राइम टीम लेकर टीम बना रहा, उसकी तो कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए प्राइम टीम मत लेना, खुद से स्टेटस को फॉलो करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और पिच रिपोर्ट्स आपको पता करना, रिसेंट पता करना, प्लेयर्स यूनिक, ये सब बातें आपको पता करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं यूनिक और तकरीबन अच्छी रैंक, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तकरीबन मेरी रैंक टॉप 100 रैंक, कभी 10 आती है कभी 25 आती है, हालांकि फर्स्ट रैंक तो नहीं आई है मेरी, लेकिन सेकंड रैंक कई बार आ गई, थर्ड रैंक कई बार आ गई और तकरीबन टॉप 100 रैंक में आ ही जाती है, टॉप 10 रैंक में भी आ ही जाती है। इसलिए खुद से टीम बनाना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।